नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, जो बच्चे अच्छा खेलते हैं वो अच्छा खेले। और मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं सभी को कि टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जो एक संघ है इंडिया का, भारत का टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जो एक संघ है इंडिया का, उसके जो प्रशासनिक डायरेक्टर हैं लखनऊ में, श्री आशीष कुमार सिंह, इंजीनियर आशीष कुमार सिंह, वो इंजीनियरिंग के टाइम में हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे क्लास फेलो हैं। मैं उनसे कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज तो वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन इस टूर्नामेंट का जब समापन समारोह होगा संभवतः कोशिश करेंगे कि वो इस समापन समारोह का हिस्सा बने। तो मैं आप इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के बच्चों को, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं उनको अवगत कराता हूँ कि टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भारत के टेनिस क्रिकेट संघ है, उसके जो प्रशासनिक डायरेक्टर है इंजीनियर आशीष कुमार सिंह, इस समापन समारोह में वो मैं उनको लाने का प्रयास करूंगा। वो यहाँ आएंगे और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि वो जो इस टूर्नामेंट में बच्चे अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें और उन बच्चों को वो सराहें। और जब भी अगला उनके टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जब भी कोई टूर्नामेंट हो, मैच हो, वो हमारे क्षेत्र की एक टीम को चुने और उसको खेलने का अवसर दे। मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि हमारे इलाहाबाद क्षेत्र की एक टीम बने, सम्मिलित करके जो अच्छा खेले और उस टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में वो मैच खेले, ये मैं उसे अपनी बात रखूंगा आपके तरफ से। तो ये मेरी प्रयास रहेगा और उनको लाने का मेरा प्रयास रहेगा ताकि यहाँ क्षेत्र में क्रिकेट का बढ़ाव, क्रिकेट जो खेलने वाले प्रेमी हैं उनको हौसला मिले और यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्रिकेट खेलने का अवसर मिले। और उनके लिए जो बेहतर प्रयास होंगे बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए, मैं उनके माध्यम से एक ये भी मांग रखूंगा कि हमारे रेवाबाद क्षेत्र में एक स्पोर्ट ग्राउंड जरूर होना चाहिए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि एक स्पोर्ट ग्राउंड यहाँ बने जो बच्चों के हमेशा के लिए, जिसमें खेलें। आज बच्चे इस मैदान में खेल रहे हैं, कल कोई किसी की जगह होगी वो अपना घेर लेगा कि बच्चे जो नवयुवक बच्चे हैं, जो भोले भाले बच्चे हैं, कहाँ खेलेंगे। इसके लिए परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा आगे भविष्य में कि एक परमानेंट व्यवस्था हो इस क्षेत्र के बच्चों को खेलने के लिए। हमारे इंदौर पंचायत में एक क्रिकेट ग्राउंड का सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, है, पर जगह न मिलने की वजह से, जगह प्रस्तावित न होने की वजह से वो क्रिकेट ग्राउंड स्पोर्ट कहीं पे भी छुपा पड़ा है। भविष्य में हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि वो क्रिकेट ग्राउंड बाहर आए और हमारे क्षेत्र के बच्चों को अवसर मिले उस क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का हमेशा के लिए, ताकि वो बच्चों को घर के किनारे या किसी के खेतों में जिस तरह से खेल रहे हैं ऐसे, इन सबसे उनको निजात मिले, एक अच्छे जगह पे खेलें और हमेशा के लिए ये स्थायी ग्राउंड बने। और यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों के लिए और सभी सम्मानित साथियों के लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छा खेलें, अच्छा प्रयास करें और बेहतर तरक्की करें। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो बेहतर स्कूलों में पढ़ाई करें और जो क्रिकेट खेलने वाले या स्पोर्ट में जो प्रेमी है वो अच्छा खेले, अच्छा बात है। और पूरा प्रयास करेंगे कि हम उनके इस काम में उनकी मुहिम को आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात रमेश भाई ने कहे, यहाँ पर यही होना चाहिए। प्रेमाबाद ग्राउंड सभा इंदौर में टूर्नामेंट के लिए एक ग्राउंड जरूर होना चाहिए, वो हमारे रमेश भाई। एक बार फिर नमस्कार, मैं उसामा रजवी, स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। आज हम मौजूद हैं रहीमाबाद में और टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है इंजीनियर रमेश रावत ने। आइए खास बातचीत करते हैं और क्या पर्चे के साथ में जानेंगे। और टूर्नामेंट लगातार यहां पे जारी रहेगा रहीमाबाद में, और पहले पर्चे ले लेते हैं और रमेश रावत क्या कहेंगे। जी पर्चे दे दीजिए। सबसे पहले तो इस क्षेत्र में, रहीमाबाद क्षेत्र में जो आज टूर्नामेंट हो रहा है जी, उसके लिए मुझे तहे दिल से मैं फरहान भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसी सोच डेवलप करी जिससे क्षेत्र के बच्चों का बहुत अच्छे से आपस में तालमेल बैठे। उससे पहले मैं अपना अगर परिचय दे रहा हूं तो मैं रमेश रावत हूं, इंजीनियर रमेश रावत, और मैं आप ही के क्षेत्र से हूँ, गदिया खेरे से। यहीं बचपन में मैंने सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई करी है और यहीं पढ़ करके आज मैं इंजीनियर बना हूँ। मेरी ऐसी सोच है कि इस क्षेत्र के बच्चे खेल में हो या पढ़ाई में हो, सारे बच्चे आगे निकलें। जो हम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं तहे दिल से उनके साथ हूँ, जो बच्चे खेलने वाले हैं, खेलने के लिए जो बच्चे आगे आते हैं, मैं उनका हर संभव मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो अपनी प्रतिभा का
प्रतिभा को दिखाएं। और आपको आज जान के बहुत खुशी होगी कि जो टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिससे आप आज टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, उसके जो प्रशासनिक डायरेक्टर हैं इंजीनियर आशीष कुमार सिंह, वो हमारे क्लास फेलो हैं। और आज उद्घाटन समारोह पे नहीं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, समापन समारोह पे टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रशासनिक डायरेक्टर हैं, मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँगा। वो पूरे इंडिया में नहीं, वो पूरे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के वो डायरेक्टर हैं। और अगर वो यहाँ पे आए तो ये मान लीजिए कि आपके यहाँ रहवा क्षेत्र में जो क्रिकेट का जो आपका मनोबल है वो चार चांद लग जाएंगे। और जो टूर्नामेंट में जो बच्चे अच्छा खेलेंगे उनको मैं चाहूँगा कि वो कुछ बच्चों को यहाँ से सिलेक्ट करें, वो अपनी टीम में खिलवाएं, उनकी प्रतिभा को आकलन करें, उन्हें देखें। तो आप लोग भी जो भी टीमें टूर्नामेंट खेल रही हैं, मैं सभी जो आकलनकर्ताओं से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों का मूल्यांकन अच्छे से करें। और लास्ट में जो टूर्नामेंट मैच जो टूर्नामेंट होगा बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन होगा, उससे हम लोग को मिलवाएं। और कोशिश करूंगा कि वो आशीष इंजीनियर आशीष कुमार सिंह यहाँ पे आए आखिरी दिन, और आपका हौसला अफजाई करें। और वो एक ऐसी हम लोग को एक ऐसा सहयोग दें जिससे हमारा रहीमाबाद में आप लोग अभी तो आप एक जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, अब मैं चाहूँगा कि ये प्रत्येक वर्ष आप रहीमाबाद क्रिकेट लीग के नाम से एक ऐसी स्थापना करें, और हमारा जो उसमें सहयोग होगा हम उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, आपका हौसला अफजाई करेंगे। और जो भी आपके क्षेत्र के बच्चे हैं वो सब आपस में तालमेल रखें, बढ़िया खेलें। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्पीच यहाँ पे कैसे बनना चाहिए? मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारा रहीमाबाद जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, और आज तक हम लोग एक क्रिकेट ग्राउंड की या स्पोर्ट ग्राउंड की हम लोग की बहुत कमी है। सरकार हमारे रहीमाबाद क्षेत्र में हमारी पंचायत में एक हाथ जोड़ के विनती है, एक स्पोर्ट ग्राउंड को जरूर कहीं से कहीं जगह दे ताकि बच्चे उसको खेलें और हमारे आज की नवयुवक पीढ़ी वो आगे बढ़े। सरकार से मेरा गुजारिश है, मेरे क्षेत्र की जनता के बच्चों से, इतने सारे बच्चे हैं, इन सब की तरफ से सरकार के लिए मेरा गुजारिश है, हमारे रहीमाबाद क्षेत्र में एक स्पोर्ट ग्राउंड जरूर होना चाहिए। और हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि सरकार किस किस जिलों से जो है टीम यहाँ रहीमाबाद में, भी टीमें इंटर हो चुकी हैं और आगे उनका भी मैच होता रहेगा। लगातार आपको खबर दिखाते रहेंगे, यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है रहीमाबाद में। बने रहिए हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ, हर खबर आपको पहुँचाएंगे। आपका उसामा रजवी, देखते रहिए हंगामा टाइम न्यूज़।